मोदी और ट्रंप में हम ज़्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे, और वो जो बोल रहा है वो सीधे सीधे अंग्रेजी में बोल रहा है, और ये आजकल थोड़ा नाटक करके हिंदी में बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला है, कहा है कि बादशाह लोग गाय का इस्तेमाल करते थे जब राजा और बादशाह की लड़ाई होती थी। हमारी नज़र में तो राजा और बादशाह में कोई अंतर नहीं है। राजा का अपना कोई धर्म नहीं होता था, राजा का एक ही धर्म था प्रजा का शोषण करना, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, चाहे वो मंदिर जाता हो या मस्जिद जाता हो। लेकिन राजा के धर्म से ऐतिहासिक काल का विवेचन किया जाता है, और उस समय लोगों की जो खान पान रही थी, मतलब बाबर की गलती का बदला जुम्मन मियाँ से लिया जाएगा। ये जो परिस्थिति समाज के अंदर पैदा की गई है, इस पर हमको रेशनली सोचने की ज़रूरत है। और कितना कितना शानदार बात प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि सब लोग आह वाह कर रहे हैं, लेकिन उस लाइन का अगर एनालिसिस करें तो हमको समझ में आता है। उन्होंने कहा है कि नकली गौरक्षकों से देश टूट रहा है, मतलब असली गौरक्षकों से देश जुड़ जाएगा। साहब, गौरक्षकों से देश नहीं जुड़ता है। बेरोजगारी का समस्या हल करने से, लोगों के अंदर जो गरीबी का सवाल है उसको हल करने से, शिक्षा का सवाल हल करने से, समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने से, और जो असमानता है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, या धर्म के आधार पे हो, उस असमानता को दूर करने से समाज जुड़ता है। क्योंकि असमानता कभी भी समाज में समरसता नहीं लाती है, और ये RSS बार बार घूम घूम करके कह रही है सामाजिक समरसता। किसी की गर्दन काट करके आप कौन सी समरसता लाएंगे? किसी के बाप को अगर दंगे में मार दिया गया है, उसका बेटा स्वाभाविक रूप से एक फंडामेंटलिज्म की तरफ जाएगा। जब तक आप ये जो लेट जस्टिस है, ये जो डिलेड जस्टिस है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेंगे, समाज के अंदर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। इसीलिए अगर हम समाज में शांति स्थापित करना चाहते हैं और टेरर के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि कुछ चीज़ों पर बहुत बेबाक होकर के हमको बोलने की ज़रूरत है कि मॉडर्न स्टेट में रिलीजन की कोई जगह नहीं है। रिलीजन आपका व्यक्तिगत मसला है, आपको जैसे करना है आप कीजिए, आपको जो खाना है खाइए, आपको जो पहनना है पहनिए, लेकिन लोकतंत्र आपके इशारे पर नहीं चलेगी। लोकतंत्र संविधान के हिसाब से चलेगा, ना मनुस्मृति से चलेगी, ना कोई दूसरी आसमानी किताब से चलेगा। ये बात हमको स्पष्ट तौर पर कहना पड़ेगा। और दूसरी बात कि धर्म का इस्तेमाल करके जो आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हम इसको खारिज करते हैं। हम वोट देंगे अपने मुद्दों के आधार पे, और हमारा मुद्दा विद्यार्थी होने के लिए के नाते शिक्षा है, नौजवान होने के नाते रोजगार है, महिला होने के नाते जेंडर जस्टिस है, और दलित पिछड़ा होने के नाते सामाजिक न्याय है। इन मुद्दों पर हम वोट करेंगे। तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते को हमको अपनाना पड़ेगा और बेवाक होकर के बोलना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम झिझकेंगे तो हमारे ऊपर तुष्टिकरण का आरोप लगाएंगे, और हमारी कोई तुष्टिकरण नहीं है। हमारे अंदर समाज बदलने की संकल्पना है, और इस संकल्पना के ऊपर जो एक बहुत बड़ा हमला है, वो सिर्फ राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। इसीलिए इस आंदोलन को राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बनाने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जब इतनी बेवाकी से हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो जुमलेबाजों को हराना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो समाज में लोगों को समझ में नहीं आता है। दिक्कत उनकी नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता है, दिक्कत हमारी है कि हम उनको समझा नहीं पाते हैं। और मैं एक वाक्य आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं धार्मिक नहीं हूँ, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात मैं बार बार समझने की कोशिश करता हूँ कि जय श्री राम और राम राम में क्या फ़र्क है। और यह बात मुझे समझ में आती है कि जय श्री राम और राम राम में ये फ़र्क है कि जय श्री राम के नाम पर हिंदू टेरर को फैलाया जा सकता है, लेकिन राम राम के नाम पर हिंदू टेरर को नहीं फैलाया जा सकता है। ये बहुत छोटी सी बात है, और जब इसका एग्जाम्पल हम एक जगह दे रहे थे तो हमारे एक साथी ने आकर कहा कि आप धर्म की वकालत कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, हम धर्म की वकालत नहीं कर रहे हैं, धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं धर्मांधताओं के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, गैर लोकतांत्रिक लोगों के खिलाफ, और जो धर्म के नाम पर टेरर फैलाते हैं उनके खिलाफ। और ये सवाल जब हमने उनको कहा तो कुछ चीज़ें निकल करके सामने आई उस विमर्श में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमने कहा कि राम जब सबरी का बेर खा रहे हैं, उस राम की तस्वीर RSS को नहीं भाती है। राम की कौन सी तस्वीर RSS को भाती है? कान तक धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा रखा है राम, और इस बात के लिए तैयार हैं कि किसी की भी गर्दन काट देंगे। तो ये जो सवाल है धर्म का, जो ये विश्लेषण है, और लोगों के विश्वास का, लोक संस्कृति का, धार्मिक आस्था का, जिस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है अपने आर्थिक फायदे के लिए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। दंगा, टेरर,
या कोई भी चीज, उसके पीछे उसका एक पॉलिटिकल इकोनॉमी काम करता है। और उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो अपने आप यह बात समझ में आती है कि क्यों इजराइल का समर्थक बीजेपी बनता है, क्यों फिलिस्तीन के खिलाफ यहाँ पर यह कहा जाता है कि फिलिस्तीनियों को मार करके भगा देना चाहिए, क्यों हिटलर को वो अपना आदर्श मान लेते हैं, क्यों मुसोलिनी की तस्वीर वो अपने घरों में लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर समानता की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि धर्म लोगों का एक व्यक्तिगत मसला है, इसके आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ जो लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर ही राज्य की स्थापना होनी चाहिए, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो या हिंदू स्टेट हो, उनको दिक्कत होती है। और बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि बुरे लोग इसलिए नहीं चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं, बुरे लोग इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप होकर के बैठे हुए हैं। इसीलिए हमारी चुप्पी को तोड़ने की ज़रूरत है, और जब हम चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर समझना पड़ेगा कि हम बोलेंगे क्या। और जब हम बोलेंगे तो हमको लगता है कि जो हमारे ऊपर तोहमत लगती है उससे ही अपनी बात की शुरुआत करनी चाहिए, और कहना चाहिए बहुत ज़ोर ज़ोर से कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद हमेशा धर्म का इस्तेमाल करता है। जैसे ISIS इस्लाम का इस्तेमाल कर रहा है, वैसे RSS हिंदू का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए ये दोनों समाज के लिए खतरनाक हैं। और खुद मैकियावेली बोल करके गया है कि किसी भी मॉडर्न स्टेट में धर्म की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। धर्म जब व्यक्तिगत मसला है तो बताइए कि मस्जिदों से ये फतवा क्यों जारी किया जाता है कि इनको ही वोट देना चाहिए? शंकराचार्य घूम घूम करके क्यों कहते हैं कि इसको ही वोट देना चाहिए? जब धर्म व्यक्तिगत मसला है तो राजनीति में उसका क्या काम है? ये जो एक पोजीशन लेने की ज़रूरत है, प्रिंसिपल पोजीशन, अगर उसको हम नहीं लेंगे तो हमारे ऊपर तोहमत लगती रहेगी। और इस तोहमत का फ़ायदा कौन उठाएगा? फ़ायदा उठाएगा वो झूठ बोलने वाला इंसान जो आजकल देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि दलितों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। साहब, आपको क्यों गोली मार दें? आपको क्यों गोली मारा जाए और किसी को क्यों गोली मारा जाए? जब हम कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, किसी को गोली नहीं मारा जाएगा, और जो मारेगा उसको उठा करके जेल में डाला जाएगा, उसकी मंदिर नहीं बनाई जाएगी। आपने गोडसे की मंदिर बनाई है क्योंकि आप गोली मारने और गोली चलाने की संस्कृति में विश्वास करते हैं। इसीलिए राम की जो तस्वीर है वो सबरी के साथ नहीं है, वो धनुष उठाए हुए राम है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, और हिंसा का जो पॉलिटिक्स है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसको हमको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि कोई भी धर्म इस बात को नहीं कहता कि आप सामने वाले की जान लेकर के अपना आर्थिक और राजनीतिक हित साध लीजिए, ये कोई धर्म नहीं कहता। और हिंदुस्तान के अंदर जो फिलॉसफी है, उसके अंदर जो परंपरा है, वो तो और भी मज़ेदार है। यहाँ पे बुद्ध और कबीर की परंपरा है, यहाँ चारबाग की परंपरा है, यहाँ अगर ब्राह्मणिक परंपरा है तो उसके खिलाफ श्रामणिक परंपरा भी है। और हमको लगता है कि इस ब्राह्मणिक परंपरा के खिलाफ श्रामणिक परंपरा को हमको जिंदा करना पड़ेगा, ना धार्मिक होते हुए भी धर्म के अंदर जो अच्छी बात है उसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। और जो लोग पोंगापंथी फैलाते हैं समाज में, जो रूढ़िवादिता फैलाते हैं समाज में, उनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो मौलाना हो जो कुरान का गलत इंटरप्रिटेशन करते हो, उसके खिलाफ भी कुरान पढ़ करके उनको बताएंगे कि आप गलत कुरान की व्याख्या कर रहे हैं। और जो लोग पंडित हैं टीका लगा करके कहते हैं कि धर्म का मतलब ये है, गीता पढ़ करके उनको समझाएंगे कि धर्म का मतलब क्या है। और हमको लगता है कि आज वो समय है जहां हम बार बार इस बात का विचार करें कि किसी की हत्या क्यों नहीं हुई, गांधी की ही हत्या क्यों हुई। इस बात पे हमको बार बार सोचने की ज़रूरत है। गांधी की हत्या इसलिए हुई कि गांधी को पचा पाना मुश्किल होता है। गांधी को पचा पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि गांधी इस देश के अंदर जो लोक संस्कृति रहा है, उस ट्रेडिशन को वो रिवाइव करते हैं। और अगर हम उस लड़ाई को आगे बढ़ा करके देखते हैं तब हमको लगता है कि गांधी के साथ साथ इस संघर्ष में हमारी अगर सबसे ज़्यादा मदद किन्हीं से हो सकती है तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जो बार बार कहते थे कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या कास्ट है, और कास्ट के चलते जो रिलीजन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। इसीलिए
बाहर के जब आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे तो वहाँ पे कास्ट का स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप केरल जाएंगे तो वहाँ पे दो तरह की लाइन चर्च में लगती है। एक तरफ जो अपने आप को सीरियन क्रिश्चियन कहते हैं उनकी लाइन होती है, और दूसरी तरफ जो नॉन सीरियन क्रिश्चियन होते हैं उनकी लाइन होती है। हमको लगता है कि इस कास्ट के स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल करके, इसको डिकन्स्ट्रक्ट करके भी हम धार्मिक टेरर से बच सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि जब एक अजलाफ अपनी बेटी की शादी अशरफ से नहीं करेगा, बताओ तुम्हारा धर्म एक कैसे है। जब एक ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी दलित से नहीं करेगा और एक दलित अपनी बेटी की शादी ब्राह्मण से नहीं करेगा, तो बताओ तुम्हारा धर्म एक कैसे है। ये धर्म हम लोगों को नहीं जोड़ता है। अगर हम लोगों को कोई चीज़ जोड़ सकता है तो वो इंसानियत है, और इंसानियत अपने आप में कोई आइसोलेशन में नहीं रहता है। इंसानियत की भी एक बुनियाद होती है, और वो बुनियाद हमारे सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। बार बार मैं इस सवाल को सोचने की कोशिश करता हूँ कि अखलाक की हत्या क्यों हुई जबकि वो पेशे से लोहार था। अखलाक की हत्या इसलिए हुई क्योंकि अब हमको लोहार की ज़रूरत नहीं है। कल को हमारा जो ये उत्पादन का साधन बदल रहा है, हमारे जो संबंध बदल रहे हैं, उसकी वजह से जो डिविसिव फोर्सेस हैं लोगों को बांट करके उनके ऊपर शासन करना ज़्यादा आसान हो गया है। इसीलिए जो आज के समय में टेरर है, उस टेरर के पीछे जो सोशियो इकोनॉमिक जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, उसमें हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि फिनेंशियल कैपिटलिज्म के क्राइसिस के चलते आज जो उत्पादन के साधन बदले हैं, उस उत्पादन के साधन में लोगों का कंसंट्रेशन एक जगह नहीं है। आप लोग अलग अलग जगह काम करते होंगे, बताइए कि आपके काम करने वाली जगह पे कितने धर्म और कितने जाति के लोग एक साथ रहते हैं। आज मजदूरों का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, उत्पादन के साधन बदलने के चलते कोई ऐसे जगह नहीं है जहां हजारों मजदूर एक साथ काम करते हैं, जहां वो एक कल्चरल डायलॉग करते हैं, जहां वो एक रिलीजियस डायलॉग करते हैं, जहां से धार्मिक सर्वधर्म संभाव की जो है एक भावना पनपती है। आज वो भावना पनपनी बंद हो गई है, इसीलिए लोगों को बांटना आसान हो गया है। इसीलिए हिंदुओं को ये बता करके तोड़ा जा सकता है कि मुसलमान के चलते बेरोजगारी है, और बेरोजगार मुसलमान को ये कह करके तोड़ा जा सकता है कि इस देश में अब RSS आ गया है तो हम लोगों को ओबीसी के पीछे चल देना चाहिए। हमको लगता है कि ये जो एक्सट्रीमिज्म है इससे हमको बचने की ज़रूरत है, और फिनेंशियल कैपिटलिज्म पे चोट चोट करते हुए जो हमारा बुनियादी सवाल है उस पर हमको आंदोलन को खड़ा करने की ज़रूरत है।